नमस्कार साथियों, आपको पता है कि उद्यमी योजना का ट्रेनिंग शुरू हो गया है। ट्रेनिंग में तीसरा दिन का क्या अपडेट आया है वो मैं बताऊंगा कि तीसरा दिन में एक गूगल फॉर्म भरना होगा। गूगल फॉर्म ट्रेनिंग आवर में ही भरा जाएगा और सेविंग अकाउंट से आपका काम चल जाएगा। कैंसिल चेक नहीं है फिर भी आपका काम चलेगा। हमने दो आदमी से बात किया है, एक सारण से है और एक दीपक जी है और एक सुनेमान जी है। मैंने दोनों व्यक्ति से जो बात किया है वो भी मैं सुनाऊंगा और ये गूगल फॉर्म कैसे भरा जाना है वो भी मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरि नारायण कुमार, आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए दीपक जी। DPR। अच्छा, DPR। हाँ, DPR आपको एक बात हमको पूछना है, DPR कब आपको जमा करना है? DPR बोले सर कि 27-28 को भी, 28 को जमा भी कर सकते हैं। 28 को हम लोग को बोले हैं, 27 को लेके जाना है, 28 को भी जमा कर सकते हैं। 27-28। अच्छा, 27-28 को जमा कर देना है, ट्रेनिंग आवर में ही आपको जमा कर देना है। जी 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 हाँ। अच्छा, बोले कल, बोले 27 तारीख को आप लोग फॉर्म प्रिंट करके लेके आइएगा। अच्छा, तो उसमें जो है ना आपका कौन ट्रेड है आप लिखे थे आवेदन पत्र में? यस सर। प्रोजेक्ट का नाम आप क्या लिखे हैं? जी, रेडीमेड गार्मेंट्स था सर, वस्त्र, रेडीमेड वस्त्र निर्माण। अच्छा, तो उस पर मैंने वीडियो बना दिया है तो आप जा कर के देख लीजिए ना। उसमें क्या कीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उसका दिया हुआ है, उसका PDF दिया हुआ है, वो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लीजिए, समझे? अच्छा अच्छा। प्रिंट करने के बाद एगो हम वीडियो बनाए हैं रेडीमेड गारमेंट्स का, कैसे उसको अति करना है, तो उसमें टोटल आपको जोड़ना पड़ता है, तो वो सब पूरा हम गाइड किए हुए हैं, तो एक बार देख लीजिएगा तो आपको हेल्प करेगा। ये चीज और हमको पूछना है आपसे दीपक जी, ये जो आपका हमने वहाँ पर देखा है तो ये जो लिंक जो दिया गया है जहाँ पे ये चीज, एक अथी वाला जो 5000 की राशि आएगा उसमें दिया हुआ है बैंक अपलोड, ये सब ये करना है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरी करके जो आया है ना, दरभंगा कमिश्नरी वाला, वो लिंक आप ओपन किए? उसमें हर कमिश्नरी वाला आया हुआ था, ये गूगल फॉर्म सर, उसको भर के हम सबमिट किए। गूगल फॉर्म पे हम बात हम कर रहे हैं। गूगल फॉर्म आपको जो है ना, ये तीसरा दिन कल है आपको ये बताया ये बात क्या गूगल फॉर्म के बारे में? जी जी, कल हम लोग गूगल फॉर्म में एक ग्रुप बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप बना सर, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, उसके बाद लिंक शेयर किया गया और गूगल फॉर्म वाला, उसमें अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ डाल के उसको सबमिट करना था। हाँ, वो हम देखे हैं। तो उसमें जो है ना, मेरा कहना है कि दरभंगा कमिश्नरी वहाँ पे दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि दरभंगे कमिश्नरी वाला हुई वो उसमें डालेगा कि सभी कमिश्नरी का अलग अलग दिया हुआ है। हम लोग नहीं सर, सबका अलग अलग गूगल फॉर्म है सर। अच्छा, आप तो आपके वाला में क्या लिख रहा था, ऊपर दरभंगा लिख रहा था कि मगध कमिश्नरी लिख रहा था? क्या मगध कमिश्नरी? अच्छा, मगध कमिश्नरी आपका लिख रहा था। तो इस सभी को जो है लिंक वो ट्रेनिंग आवर में ही उसको देगा क्या? आप ये वाला पर कीजिए। जी जी हाँ, ट्रेनिंग के समय ही गूगल फॉर्म सबको एक ग्रुप बनाया गया, सब कमिश्नरी वाला का ग्रुप एक बना है सर। अच्छा, सबका अलग अलग एक बना दिया है ग्रुप? हाँ, हमारा मगध का एक ग्रुप बनाया गया, उसमें हमको ऐड किया गया है, हर कमिश्नरी के एक ग्रुप बनाया गया। अच्छा अच्छा, वही जो है दरभंगा वाला में जो है, मान लेते हैं हमारे पास जो गूगल फॉर्म आया है तो उसमें ओनली फोर दरभंगा जिला का जितना होगा वो डालेगा, फिर मगध वाला अलग है तो मगध वाला उसमें डालेगा। अच्छा, ये मगध वाला के अलग है, मगध वाला ऐसे भेज देंगे आप सर, अगर अवसर है भर लेंगे जो। हाँ, वो हमको भेज दीजिएगा, एक वीडियो अपलोड करना है। इसमें ये बात है कि आप मान लेते हैं कि अभी तो ये गूगल फॉर्म है, तो अगर ये जो ट्रेनिंग नहीं किया है
अदर पर्सन तो उसको बाद में ट्रेनिंग होना है, तो गूगल फॉर्म अभी डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है, कि वो ट्रेनिंग आवर में ही डालेगा वो? नहीं, अभी भी डाल सकता है। जैसे अभी वो बहुत लोग के मोबाइल जो इंटरनेट नहीं चल रहा था, कोई व्हाट्सएप मोबाइल नहीं ले रहे थे, उसमें से 10% जो थे बिना व्हाट्सएप वाला मोबाइल रखे हुए थे, वो सब घर पर जाके अपना गूगल फॉर्म सबमिट किए हैं सर। अभी भी देखिए हमको सब सबमिट करके अभी 5 मिनट पहले 10 आदमी भेजा है, 10 व्यक्ति भी भेज चुके हैं। अच्छा दीपक जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लेते हैं कि ये वाला जो गूगल फॉर्म है जो ट्रेनिंग के लिए फोन किया गया है वही भरेगा, कि जिसका वेटिंग लिस्ट में नाम है वो सभी डाल सकता है, जो ट्रेनिंग में नहीं शामिल हुआ है वो भी डाल सकता है गूगल फॉर्म? जी, गूगल फॉर्म जिसका सिलेक्शन हो गया है वो टोटल भर सकता है सर, क्योंकि उसी पर अकाउंट पर पैसा आएगा। उसको तो ट्रेनिंग अगर नहीं, इस बात को तो नहीं पूछे सर, ट्रेनिंग अगर नहीं किया है तो मान लिया गूगल फॉर्म भर भी देता है तो ट्रेनिंग में उसका नाम नहीं रहेगा, तो हो सकता है पैसा मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में तो कंफर्म नहीं है सर। गूगल फॉर्म तो भर देगा तो वहाँ तो नाम दिखेगा, लेकिन वहाँ अटेंडेंस भी देखेगा सर। हाँ वही ना, ये अटेंडेंस देख के तब ये अप्रूव वो लोग करेंगे ना? हाँ, अटेंडेंस देख के अप्रूव करेंगे। तो उसको ये इतना जल्दबाजी क्या है, जब ट्रेनिंग में आवर में जाएगा तो अपना भरेगा, अभी के कुछ अति हो जाएगा क्या? जी, अभी कोई दिक्कत ना, वो यानी 27 को भी 28 को भी जब जाता है वो उस समय सबमिट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। A few moments later, ये गूगल फॉर्म का ये मगध कमिश्नरी है, और मेरे पास 3 कमिश्नरी का मेरे पास आ गया है, मगध का, सारण का और दरभंगा का। तो मगध, सारण, दरभंगा तीनों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर जाइए, टेलीग्राम पे मैंने ये डाल दिया है, वहाँ से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मगध कमिश्नरी की आया, इसके बाद यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम देंगे, और इसके बाद आपका ये फादर हस्बैंड का नाम देंगे, फादर या हस्बैंड के नाम यहाँ पर देंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देंगे, कमिश्नरी का नाम यहाँ पर देंगे, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और मोबाइल नंबर देंगे, इसके बाद कैटेगरी जो होगा वो देंगे, जिस भी कैटेगरी से आप यहाँ पे आते हैं, युवा, EBC, महिला, SC ST, वो यहाँ पे आए। इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है, सेविंग अकाउंट नंबर देना है, IFC कोड, बैंक का नाम, तो यहाँ पर बैंक का नाम देना है और सबमिट कर देना है, बस इतना ही काम आपको करना है। तो गूगल फॉर्म किसको ही भरना है, ट्रेनिंग वाला के कोई भी डाल सकता है? ट्रेनिंग वाला जो हाँ, वो जो ग्रुप में रहेगा ना सारण का, अच्छा, हम लोग का ग्रुप बना है, वो ही डालेगा लोग। कल ग्रुप बना था ना पूरा, जितना 3 जिला का जितना लोग है सबका एक में ग्रुप बना है, तो लिंक डाला है लोग, तो वही लोग सबमिट करेगा भर कर, फिर करके उसको फिर तब बस। तो गूगल फॉर्म ही है तो लिंक से तो कोनो कर सकता है, तो जेकर ट्रेनिंग ना हुआ है वो डालेगा तो उसका अप्रूव ही लोग नहीं करेगा। हाँ, जो आप नहीं बोले कमिश्नरी कुछ करके लिखा है, सारण कमिश्नर वाला जो है सिर्फ ट्रेनिंग वाला डालेगा, कि जितना वेटिंग लिस्ट लिख रहा है तो कौन डाल देगा? नहीं, कोई नहीं, जिसका ट्रेनिंग हो रहा है वही डालेगा। अच्छा, जो ट्रेनिंग में यहाँ पे आया है ना, तो लास्ट में डालवा के उसके बाद वो पैसा के लिए सब करवा रहे, 2-3 गो फॉर्म भरा है ना, पहले पैसे का फॉर्म भरा है, फिर ये भी पैसे वाला है 5000 वाला। अच्छा, ये और कौन पैसा है? ये पहले हम लोग नहीं भरे लो, वो तो आवेदन पत्र ना आप डाले थे, वो अथी वाला बैंक डिटेल से सब। हाँ, वो तो डाले थे नीचे, लेकिन फिर अभी जो भर रहे ना 5000 वाला है, तो जिसका 5000 रुपया आएगा जो ट्रेनिंग में रहेगा वही भरेगा। अच्छा, तो ये वाला भी ठीक है, तो इसमें जितना चीज हम देखे हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज अपलोड आप डाल दिए हैं गूगल फॉर्म वाला? हाँ, सब कर दिए। तो इसमें क्या क्या चीज आपको लगा है इसमें? इसमें तो कुछ नहीं लगा, बस मोबाइल नंबर और जो स्टेशन नंबर जो आप नाम बस सबमिट हो जाएगा, खत्म हो गया। हाँ, इसमें डॉक्यूमेंट तो देखे कहीं नहीं है, एक बार सबमिट के बाद बस सबमिट हो गया ना इसमें तो? हाँ, नहीं ना, ना ना, सबमिट के बाद खत्म, उसके बाद कर देना। हाँ, वही नहीं, मैं अपलोड तो इसमें मांगे नहीं रहा है, तो ये बेकार में जो कैंसिल चेक नहीं है तो वो सब तो बेकार में चक्कर में पड़ा हुआ है,
सेविंग अकाउंट पासबुक से भी हो जाएगा जिसका, इसीलिए तो सुविधा दिया हुआ है कि कैंसिल चेक के चक्कर में जो सब है वो सबका बिना चेक कैंसिल चुके हो जाएगा ये क्या। और एक आपका ये सारण कमिश्नरी का है, इसमें भी सेम प्रोसेस वही है, कैंडिडेट नाम, फादर का, डिस्ट्रिक्ट का, कमिश्नरी, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, जो भी हो, प्रोजेक्ट नेम, सेविंग अकाउंट, आईएफएससी बैंक नेम, और सबमिट करना है, सभी में एक ही है। बाकी यहाँ पर जो देख सकते हैं सारण, तो सारण, दरभंगा तो दरभंगा, जो भी कमिश्नरी है, 9 कमिश्नरी है, सभी कमिश्नरी का यहाँ पर ऐसे गूगल फॉर्म, सभी जितने कमिश्नरी है सभी कमिश्नरी का गूगल फॉर्म भर के आपको देना पड़ेगा। ये आपका दरभंगा का है, दरभंगा कमिश्नरी। इस प्रकार से सभी जितने भी 9 आपका प्रमंडल है, सभी प्रमंडल का अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, बस ये सेम प्रोसेस है, आप इसको जाकर के आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर एकदम आसान है भाई, देखिए यहाँ पर कमिश्नरी का नाम दे दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो सीएम करके है 2022 जो मोबाइल नंबर है, पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कैटेगरी डाल दीजिए, प्रोजेक्ट नेम डाल दीजिए, सेविंग का अकाउंट नंबर, क्योंकि 5000 रुपया की राशि जो आपका सेविंग अकाउंट में जाएगा, सबमिट कर दीजिए, हो गया बात खत्म। नमस्कार, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए बीएसटी टाइप करना है, बीएसटी ऑल टिप्स टाइप करना है, बीएसटी एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है, UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।